नवादा जिले की पुलिस ने सड़क लूट गिरोह का राजफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार की है। इन लोगों के पास से दो कट्टा, पांच कारतूस, पूर्व में लूटी गई दो बाइक, 42,000 रुपए नकद, एक मोबाइल, एक एटीएम कार्ड की बरामदगी की गई है। गिरफ्तार सभी बदमाश रोह थाना क्षेत्र के काजी नुई गाने के निवासी बताए गए हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नवादा कार्तिकेय के शर्मा ने सोमवार को पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 16 अप्रैल 2024 और 19 अप्रैल 2024 को रोह थाना इलाके में सड़क लूट की दो घटनाएं हुई थी। 21 अप्रैल 2024 को कुम्हारावां अंडरस्कोमरुई पथ पर कुछ बदमाशों के इकट्ठा होने और बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और चार बदमाशों चंदन कुमार 19 वर्ष पिता रविंद्र यादव, मनीष कुमार 20 वर्ष पिता राम अवतार यादव, केजेएन कुमार उम्र 18 वर्ष पिता मनोज यादव और नीरज कुमार उम्र 18 वर्ष पिता देवनंदन यादव सभी ग्राम काजी नुई थाना रोह जिला नवादा की गिरफ्तारी हुई, जबकि उनके साथ रहे तीन अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले में दो अलग अलग प्राथमिक कांड संख्या 117/24 दिनांक 17.4.24 और कांड संख्या 121/2024 दिनांक 20.4.24 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रोह थानाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था।